बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स को हमने स्टडी करना है, ठीक है। टुडे आवर टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो इसमें टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। वन इज स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर, हाँ जी, स्केलर प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। तो स्केलर प्रोडक्ट है और आइदर वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कब है? जब आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, टू वेक्टर क्वांटिटीज को, और रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आए तो हम उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। व्हेन वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी आफ्टर मल्टीप्लाइंग आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज then product is called scalar product, scalar product। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल आपको देता हूँ, वर्क्ड फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, वर्क डन। वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है टू वेक्टर क्वांटिटीज हैं। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखें तो वेक्टर प्रोडक्ट है व्हेन वी गेट, या हम इसको थोड़ा और फॉर्मलाइज कर देते हैं, डेफिनेशन को फॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, द रिजल्ट इज वेक्टर क्वांटिटी आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज द रिजल्टेंट या रिजल्ट रिजल्टेंट इज वेक्टर क्वांटिटी आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ टू आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट
और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। एग्जाम्पल क्या है? टॉर्क। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका किन दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है? मोमेंट ऑफ मल्टीप्लाई फोर्स। दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, ऐसी क्वांटिटी आती है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, तो हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ये वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और इसको हम किससे? क्रॉस से शो कर रहे हैं, ठीक है, और वहां डॉट से शो कर रहे हैं। तो चले, ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर क्वांटिटीज। द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? लेकिन चलें, इसको प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मुझे स्केलर प्रोडक्ट को और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको हम ऐसा कर लेते हैं, हेडिंग को रहने देते हैं, स्टार्ट फ्रॉम हेयर। स्केलर प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है क्या? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वेक्टर है जिसको हम ए कह रहे हैं और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, और ए मल्टीप्लाई बी। तो आप देखें कि ए बी के साथ एंगल क्या बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा। तो हम लिखेंगे ए डॉट बी किसकी इक्वल होगा? अब ए की दो हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। अब कौन सा ए का कंपोनेंट आप लेंगे? ये ए एक्स है, ये ए वाई है, तो हम ए का एक्स कंपोनेंट लेंगे। कौन सा कंपोनेंट लेंगे? एक्स कंपोनेंट विच इज अलोंग बी, तो ए एक्स बी। अब ए एक्स की वैल्यू क्या होती है? ए कॉस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू दिस, ए बी कॉस थीटा। इसी तरह अगर बी ए करेंगे तो वो भी ऐसे ही होगा, उसको बी के उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ए के कौन सा कंपोनेंट लिया है? ए का हमने वो कंपोनेंट लिया है विच इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन क्या होता है? ए का साया, ठीक है। ए के जो है, जो पढ़ रहा है, प्रोजेक्शन बन रहा है बी के अलोंग। तो ए एक्स की बजाय हम ये भी लिख सकते थे यहां पर कि प्रोजेक्शन ऑफ ऑफ ए ऑन बी, और साथ में कौन सा वेक्टर आ गया? बी। तो अब डॉट खत्म हो गया, हमने उसकी मैग्नीट्यूड्स को ले लिया। तो इसी तरह अगर बी डॉट ए की बात करें तो ये तो हमारे पास ए डॉट बी है, ए से बी की तरफ एंगल क्या है? क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर हमारे पास बी डॉट ए की बात आप करेंगे अब बी का प्रोजेक्शन ए पे ड्रॉप करना है, तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन आपको यहां से यहां लेनी होगी मजीद, ताकि यहां से इस लाइन से परपेंडिकुलर होना चाहिए ऑन दिस लाइन। अब यहां पर
कौन से एंगल है? नाइन्टी डिग्री। ठीक है, तो अब अगर मैं इनके नाम दूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब बी के दो कंपोनेंट हैं, वन इज अलोंग ए, ठीक है, और इसको हम बी एक्स कहेंगे, और वन इज दिस कंपोनेंट बी वाई। तो इसकी डायरेक्शन आप समझ लें, सॉरी ये डायरेक्शन बनेगी एक, ये पहला फर्स्ट ये हो गया और दूसरा वेक्टर ये हो गया। तो दो आप कौन सा बी का वेक्टर लेंगे, कौन सा कंपोनेंट लेंगे विच इज अलोंग ए। तो बी डॉट ए का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ ऑफ बी ऑन ए और साथ में ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या है, मतलब बी एक्स है। एक्स इसलिए कह रहा हूं कि एडजेसेंट कंपोनेंट है, यहां पे एंगल बन रहा है और ये एडजेसेंट कंपोनेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बी कॉस थीटा कहेंगे। प्रोजेक्शन जो होता है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है, वो कॉस थीटा होता है, तो हम इसको एट दी एंड लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। इसको वन कह दें, इसको टू कह दें। ओके, तो ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, जिसका थोड़ा सा बहुत और मैंने जिक्र किया है कि हम कैसे फाइंड करते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाते हैं, जो मेन टॉपिक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट इज कमोटेटिव। इज कमोटेटिव कैसे, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ए डॉट बी बेसिकली क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन दोनों इक्वल हैं क्योंकि रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होती, इस वजह से ये कॉमोटेटिव है। दूसरी प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट इज बिकम जीरो व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। तो अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस 90। कॉस 90 होता है जीरो, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ए बी इंटू जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। थर्ड प्रॉपर्टी, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। इसी तरह अगर हम आई जे के का लें, आई डॉट यूनिट वेक्टर्स का, आई डॉट जे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, जे डॉट के एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, के डॉट आई जो है वो एक दूसरे, सबका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा डिफरेंट का। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू वन। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, स्क्वेयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड। तो सेल्फ प्रोडक्ट मतलब ए डॉट ए कर दें,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर कॉस, दोनों सेम वेक्टर हैं, सेम डायरेक्शन होगी तो एंगल जीरो बनेगा, तो कॉस जीरो क्या होता है, वन, तो वो स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर की हम बात करें तो आई डॉट आई किसकी इक्वल होगा, जे डॉट जे किसकी इक्वल होगा, के डॉट के किसकी इक्वल होगा, वन की इक्वल होगा। वन इसलिए लिखा है कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो वन होती है, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ वन स्क्वायर हो गया। लेकिन आई डॉट आई क्या हो गया, सिमिल सेम वेक्टर्स हैं तो आई स्क्वायर हो गया, तो आई की मैग्नीट्यूड क्या है, वन, तो वन का स्क्वायर वन होता है, इसलिए मतलब सिमिलर। और आई डॉट आई का मतलब ये है, मैं यहाँ पर मजीद भी लिख देता हूँ, आई डॉट आई का मतलब है आई यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड, वंस अगेन आई यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या हो गया, वन, आई की यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी वन, वन ये भी वन, तो वन इंटू वन वन आ गया। तो जब सिमिलर फैक्टर्स होंगे तो एंगल जीरो होगा, और कॉस जीरो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है, तो कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। तो आई डॉट जे जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, आई डॉट जे, जे डॉट के, डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा यूनिट वेक्टर्स का, और सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वन होगा। थ्री प्रॉपर्टीज हो गई, फोर्थ प्रॉपर्टी, अच्छा जी, टू अनपैरेलल वेक्टर्स हैं या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, व्हेन टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड थ्रू डॉट प्रोडक्ट तो एंटी पैरेलल है, सो द प्रोडक्ट विल बी मिनिमम। Will be minimum. जब वो पैरेलल होते हैं तो मैक्सिमम, ठीक है, एंटी पैरेलल होते हैं तो मिनिमम, और परपेंडिकुलर होते हैं तो वो जीरो होता है। तो एंटी पैरेलल के लिए मैंने कहा सॉरी मिनिमम, सॉरी सॉरी, प्रोडक्ट विल बी मिनिमम। कैसे, ए डॉट बी दोनों एंटी पैरेलल हैं, मतलब ए इधर जा रहा है बी इधर जा रहा है, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या बना, 180, तो ए बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 क्या होता है, माइनस वन होता है, तो माइनस ए बी आ गया। तो देखें जब नेगेटिव वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंट वेक्टर्स का, ये चार हो गए लास्ट पॉइंट, कि हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ देयर टू वेक्टर्स इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अगर हमारे पास टू वेक्टर्स हैं उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, फिफ्थ पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी
इन टर्म्स ऑफ देयर देयर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स तो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल ए के वैक्टर्स के कॉम्पोनेंट्स हैं ए एक्स आई यूनिट वैक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वैक्टर और ए जी के यूनिट वैक्टर। इसी तरह बी वैक्टर है उसके कॉम्पोनेंट्स हैं बी एक्स आई यूनिट वैक्टर बी वाई जे यूनिट वैक्टर बी जी के यूनिट वैक्टर। अगर हम ए डॉट बी करते हैं तो हम क्या करेंगे? पहले ए वाले कंपोनेंट्स दरमियान में डॉट आएगा, फिर बी के वेक्टर्स कंपोनेंट्स आएंगे आई वाई जे और जी के। अब फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है वन, जे डॉट जे वन होता है, आई डॉट के जो होता है या आई डॉट जे जो होता है वो जीरो होता है, तो सिर्फ फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे बाकी जीरो हो जाएंगे। यहां पर लिख देंगे सिंस ये हैप्पी कर लेते हैं आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट के ये वन है और आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई जीरो है। तो हमारे पास अगर ये बात का हमें पता चल गया है तो फर्स्ट फर्स्ट से होगा, सेकंड सेकंड से होगा, थर्ड थर्ड से होगा और फोर्थ फोर्थ से होगा जितने भी कंपोनेंट्स हैं। सो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी सो ऑन। अगर अगर और भी ज्यादा कंपोनेंट्स हैं तो उनके फिर जो है रिजल्ट भी ज्यादा होगा। चले अब आपने मैं बुक आपसे शेयर करने लगा हूं, ये टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। यहां पर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्वांटिटीज इज द स्केलर क्वांटिटी व्हाइल द प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। फिर स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है वो मैंने आपको बताया, प्रोजेक्शन ड्रॉफ किया वो बताया, एग्जाम्पल दी, सॉरी। स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कॉमोटेटिव है, फर्स्ट हमने कहा। जीरो कब होता है? जब परपेंडिकुलर होते हैं। एंटी पैरेलल हो तो हमारे पास वो क्या होता है, पैरेलल मीन टू से जीरो तो मैक्सिमम होता है और एंटी पैरेलल हो तो मिनिमम होता है। फिर उसके बाद सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू ए डॉट ए स्केयर हो गया, और इसी तरह स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, तो आई होप कि आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन बेटा? एनी क्वेश्चन? नो ओके, चलें। अब आपने जहां तक चैप्टर नंबर टू हो गया है इसका दो लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ द वेक्टर्स बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स,
और दूसरा टॉपिक मैंने कराया है स्केलर प्रोडक्ट, तो इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें. ओके, ओके अल्लाह हाफिज़.